ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप मनचाही संतान चाहते हैं या फिर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको उस फर्टाइल डेज को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉनिटर करना है कि कब आपका फर्टाइल डेज आता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं या जेंट्स होते हैं, इवन कपल्स, कुछ ऐसा वक्त आता है जब अगर उन्हें बेबी नहीं हो रहा है तो वो काफ़ी डेस्परेट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे उनको बेबी नहीं होता है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगी। लेकिन कुछ ऐसा समय आता है कि जब अगर बेबी नहीं होता है तो कपल्स काफ़ी डेस्परेट हो जाते हैं। उनके लिए ये पूरा, जैसे अगर फर्टाइल पीरियड के समय अगर उनका कंसीव नहीं हुआ और वो सारी चीज़ें नेक्स्ट अगर साइकिल में रिपीट होती हैं तो ये एक महीने का इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा लंबा लगता है। तो बहुत सारे लोग जिनको ओवोल्यूशन डे का पता नहीं चलता है, उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि ओवोल्यूशन जो डे है आप कैसे जान सकते हैं, आप किस समय आप रिलेशन प्लान करें जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्रेगनेंसी होना एक बहुत ही सुखद सी चीज़ है, तो इंसान उसके लिए थोड़ा सा अपना जो माइंड थोड़ा सा अप्लाई करिए, मे बी सब कुछ देखिए आप कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब कुछ तो ऑलमाइटी गॉड के हाथ में है, लेकिन कोशिश से पीछे नहीं हटनी चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिससे कि आप अपने ओवुलेशन डे का पता कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉनिटर करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी जिस दिन भी पीरियड आती है उसको डे वन या डे टू, डे थ्री, ऐसे ऐसे करके आपको कैलेंडर पे एटलीस्ट लिख लेना है। मैं लिटरली लिखने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर के, भूल जाती हैं ये सारी चीज़ें लिखना वखना, मन में ये चीज़ याद रखना भूल जाती हैं। इसलिए लिखना एक काफ़ी सटीक तरीका है, काफ़ी अच्छा तरीका है, जिससे कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया रहेगा, मोटा मोटा ही सही लेकिन आइडिया रहेगा कि आपकी साइकिल एक्चुअली चल कितनी रही है। 28 दिन की चल रही है, 30 दिन की चल रही है, 32 दिन की चल रही है, और अपने हिसाब से आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि 28 दिन की चल रही है तो 10 दिन के बाद से थोड़ा सा आपको एक्टिव हो जाना पड़ेगा। अगर 32 दिन की चल रही है तो मे बी 12 या 13 डेज़ के बाद आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। और आपको जानकार रहना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने बताया था ऑड और इवन वाला, कि आप लड़का और लड़की भी इसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आपको कोई भी संतान हो, बहुत सारे लोग तो डेस्परेट होते हैं कि इनको कोई भी संतान हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो सारी लेडीज़ सबसे पहले तो अपनी मॉनिटर करें अपनी एमसी साइकिल को। और जिस तरह से आप, जैसे 28 दिन की साइकिल है तो आप मान के चलिए कि 10 दिन के बाद से आपका ओवुलेशन कभी भी हो सकता है। तो ओवुलेशन के भी बहुत सारे ऐसे लक्षण देखे गए हैं जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर। अब बेसल बॉडी टेम्परेचर होता क्या है कि आपको अपने डे वन से लेके, मतलब कि जिस दिन आपको पीरियड आया उस दिन आपको मॉर्निंग से लेके, मॉर्निंग अगर मान लीजिए कि कभी भी आया उस दिन आप टेम्परेचर अपना लीजिए और इसको एक रेगुलर हैबिट बनाइए थ्रू आउट आपका, जो कम से कम ओवुलेशन तक तो आप ये आदत बना लीजिए कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि बॉडी ऐसी साइंस देती हैं तो उससे पता चलता है कि अगर जिस दिन आपका ओवुलेशन हो रहा है उस दिन आपका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ जाएगा। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ कि आपको पहले से करनी है, क्योंकि मान लीजिए कि सपोज़ कि आपको 13 डे आपका ओवुलेशन हुआ, आपने उसी दिन चेक किया, तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये बढ़ा हुआ है या नहीं, आप कंपेयर किससे करिएगा। इसलिए अगर आप शुरू से देखते आइएगा, एक हैबिट बना लीजिएगा तो आदत भी रहेगी, तो इसे पता चलेगा कि आपका जो टेम्परेचर इस समय इंक्रीज़ हुआ है तो मे बी आप ओवुलेट कर रही हैं। दूसरा साइन जो आपकी शरीर आपको देती है वो होता है कि आपकी नॉर्मली आपको वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, कोई भी हर एक लेडीज को होता है, लेकिन जिस समय अगर आप देखिएगा कि अदर डे आपको थोड़ा सा पतला सा आपको डिस्चार्ज होगा, लेकिन जिस दिन आपको ओवुलेशन है या जिस दिन आप ओवुलेट कर रही हैं उस दिन आप देखिएगा कि एग वाइट के कंसिस्टेंसी जैसा आपको वो डिस्चार्ज आता है, उससे भी आप गेस कर सकती हैं कि मे बी यू आर ओवुलेटिंग। अब दूसरी जो चीज़ मैंने पॉइंट नोट की है वो होती है कि सबसे इजी तरीका ओवुलेशन किट का होता है। जैसे कि मैंने बताया कि 10 दिन के बाद से आपको एक्टिव हो जाना है, तो एक्टिव इन द सेंस कि आपको ओवुलेशन किट लेना है जिसमें 3-4 स्टेप्स रहते हैं, आपको टेस्ट करना है कि आपका कब आ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए कि आपकी 28 दिन की साइकिल और आप 7वें दिन से करने जाओगे तो ऑब्वियस बात है कि नहीं होगा, तो आपको मॉनिटर करना है कि 12 दिन करना है, 12वें दिन करना है, 13वें दिन कर रहा है, तो उससे
थोड़ा सा आपको पॉजिटिव जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन भी आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं और मे बी प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ते हैं। अब तो हुई, अब दूसरी जो चीज़ होती है वो एक थोड़ा सा साइंटिफिक तरीका है, जैसे कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। जिस तरह से जैसे मैंने बताया कि 10th day के बाद आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है, उसी तरह से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग होती है जिसमें कि एक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है डॉक्टर्स की निगरानी में। जब वो देखते हैं कि फॉलिकल से आपका एग रिलीज़ हुआ या नहीं हुआ, या फिर वो मैच्योर है नहीं है, मे बी अगर एग रिलीज़ हुआ बट वो उतना मैच्योर नहीं है, तो वो उसका साइज़ भी मॉनिटर करते हैं। तो अगर हो सके तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि मे बी अब ये एग रप्चर हो जाए, उस समय आप रिलेशन प्लान करें तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं थोड़ा सा आपको मे बी डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। सेम इसी तरह से डॉक्टर्स आपको कुछ ऐसे भी एडवाइस देते हैं, जैसे कि LH और FSH जैसे एक हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स आपके एग को रिलीज़ करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। पूरा बॉडी हार्मोन से ही बना हुआ है, मतलब अगर आप कोई भी फंक्शंस कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो ही आप वो फंक्शन करते हैं। तो उसी तरह से जैसे ही आपका शरीर एग को रिलीज़ करने लगता है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जैसे FSH की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, बहुत कम यानी कि अंडर रेंज रहती है। तो आपको वो रेंज को मॉनिटर करना पड़ेगा, आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि FSH की वैल्यू कम होनी चाहिए और LH की वैल्यू और एस्ट्रोजन की जो मात्रा है वो काफ़ी बढ़ती है जिस समय आपका ओवुलेशन हो रहा है। तो ये जो दोनों प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग और LH और FSH, ये तो आपको डॉक्टर की निगरानी में करना पड़ेगा, लेकिन आप घर बैठे क्या क्या कर सकते हैं वो भी टिप्स यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, ओवुलेशन किट या फिर अपने मॉनिटर करना। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको इतना मॉनिटर करना नहीं हो पाता है, जैसे कि मे बी अगर डॉक्टर्स के एडवाइस से करें तो ठीक है, लेकिन वो खुद भी उतना ज़्यादा मतलब कॉन्शियस नहीं रहती हैं कि उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो उनके लिए जो सबसे आसान सा टिप है वो ये है कि आपको 10 से 20 days, चाहे आपकी साइकिल 28 दिन की चले, 30 दिन की चले, 32 दिन की चले, नो मैटर, आपको 10 से 20 दिन आपकी जो होती है ऑन एन एवरेज एक फर्टाइल डे चलती है। मे बी बहुत सारी लेडीज़ जिनकी लेट पीरियड आती है उनकी ओवुलेशन 16, 17 या 18 दिन तक भी होती है। तो उन सारे लेडीज़ को मेरा ये सलाह है कि आप एवरी ऑल्टरनेट डे आप रिलेशन प्लान कर सकते हैं और मे बी आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ और भी पॉइंट्स मैं देख लेती हूँ, अगर मैंने सारे पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं, अगर और भी किसी चीज़ की आपको क्वेरी हो या फिर मन में कुछ दुविधा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर एक बार कंसीडर करिएगा। और अगर आपको उससे मेरा जवाब अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो आपके कमेंट्स मुझे अच्छे भी लगते हैं क्योंकि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू बहुत अच्छा रिस्पांस देने के लिए। और होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब करिएगा तो आपको सारे वीडियोज़ भी अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। और बेल आइकन जो दिया रहता है ना, मैं इतना कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बेल आइकन जो दिया रहता है ना उसको भी आप दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं यूट्यूब तो कौन नहीं चलाता है। तो बेल आइकन दबाने से होता क्या है कि हमारे जितने भी, जैसे मैंने कुछ भी अगर आपको वीडियो डाला या कुछ भी कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला, वो सारे चीज़ों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप बेल आइकन भी दबा के रखिए, क्या पता कौन सी अपडेट या कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।